रविदास महोत्सव का आरंभ प्रेम एवं उत्सव की भूमि कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में हुआ। महान संत सूरदास जी के सम्मान में वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित सूरदास महोत्सव में पूरे देश से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भारत सरकार से स्थापित मंत्री श्री फगन सिंह कुलशस्त्र एवं कार्यक्रम के संयोजक अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना गीता अंजलि शर्मा, सुरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर पी आर शास्त्री, डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वृंदावन शोध संस्थान में सूरदास महोत्सव के निर्देशांक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नृत्यांगना सुरीति गीता अंजलि शर्मा द्वारा दो दिवसीय सूरदास महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन भजन सम्राट अनूप जलोटा द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। सूरदास महोत्सव में गीता अंजलि शर्मा द्वारा केंद्र इस्पात मंत्री का पटुका उड़ाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद कला विरचक कथक केंद्र की शिष्य तुल्या अपने पुष्प भेंट किए गए। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति कला वृक्ष कथक केंद्र द्वारा की गई, जिसमें कि जयपुर घराने के विश्व विख्यात गुरु पंडित दुर्गालाल जी की तीसरी पीढ़ी ने तीन ताल प्रस्तुत किए। पंडित उमा डोगरा द्वारा रचित तीन ताल में गीतांजलि शर्मा के शांगिंद्रों द्वारा कथक की स्तुति दी गई। भजन गायक अनूप जलोटा ने सूरदास जी को नमन करते हुए अपने भजनों से श्रोताओं को सूरदास जी के पदों से देवी राधा कृष्ण की अनुभूति कराई, जिसके बाद उड़ीसा नृत्य गायन वृद्धा चड्डा एवं कविन वचन ने युगल उड़ीसा नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन से श्रोताओं को जोड़ते हुए संपूर्ण वातावरण को कृष्णमय कर दिया। इस मौके पर मुख्य केंद्र मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते श्री सूरदास महोत्सव की प्रस्तुतियां देखकर भाव विभोर हो उठे। किरण, जैसा कि आज पहली बार ब्रज में सूरदास महोत्सव का ये यहाँ पर प्रोग्राम किया गया आपके द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? ये पहली बार नहीं है, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने सूरदास महोत्सव आयोजित किया है। बहुत ही विगत वर्ष में बहुत ही भव्य और उत्कृष्ट महोत्सव हुआ था हमारे ब्रज में, और ये महोत्सव एक ऐसा, ये महोत्सव नहीं है, ये क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति, जिसके माध्यम से हम एक अलग जगाएंगे, हम कला जगत में एक नई पहचान बनाएंगे और देश विदेश तक हमारे महोत्सव का नाम हो, देश विदेश से कलाकार यहाँ पर पधारें, जिस तरह से हमें आमंत्रित किया जाता है, हम भी बाहर के कलाकारों को आमंत्रित करें, उन्हें मंच दें, उन्हें सम्मान दें और ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराएं। इसी उद्देश्य के साथ में सूरदास महोत्सव की स्थापना की गई है। सूरदास जी हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत और कवि रहे हैं, उन्होंने एक क्रांतिकारी संदेश दिया है समाज को, भक्ति के साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति को और हर पहलू को उन्होंने अपने पदों में दर्शाया है, जो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप है, जिसके जिन नियमों पर सिद्धांतों पर हम चलते हैं, कहीं ना कहीं सूरदास जी के भी उसमें पद और वो सब हमें यही राह दिखाते हैं। तो सूरदास जी का ये महोत्सव भी निरंतर चलता रहे सालों साल, और इसी आशा के साथ ही आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था मंत्री जी? आज सूरदास महोत्सव के अंतर्गत हमारे जो मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित करके, और साथ में अभिनेता सुरेंद्र पाल जी भी थे जिन्होंने उद्घाटन किया, और हमारे मेयर साहब महापौर जी डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी जिन्होंने कार्यक्रम को उद्घाटित किया। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री जी दिल्ली से यहाँ ब्रज में पधारे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्र से लेकर के अब ब्रज का एक सीधा रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे बांके बिहार जी की भी मर्जी रही होगी कि हमारे ब्रज में इस तरह का विशाल भव्य कार्यक्रम। आज क्या क्या प्रमुख प्रोग्राम रहे यहाँ पे तीन दिन का? ये बहुत सारे रहे, आपने देखे होंगे कला वृक्ष कृति, कला वृक्ष के जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, कथक नृत्य की समूह प्रस्तुति। उसके अलावा दिल्ली से पधारे पद्मश्री रंजना गोहर जी के सीनियर डिसाइपल्स वृंदा चड्डा एंड विनोद बच्चन, केविन बच्चन, उन्होंने अपनी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी। और उसके उपरांत हम सभी के प्रिय भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने अपनी प्रस्तुति दी है, जो कि अपने आप में रोचक प्रस्तुति है। पूरा ब्रज तो वैसे ही अनूप जी का बहुत बड़ा फैन है और बहुत बड़ी यहाँ पर प्रशंसक हैं, उनके श्रोता हैं, तो पूरा ब्रज अभी अनूपमयी हो गया है और सूरदास का जो झंडा है वो फहरा रहा है, तो सूरदास जी भी जहाँ होंगे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, क्या बात है, जो सुर की गंगा बह रही है यहाँ पर, संगीत की यहाँ पर शाम सज रही है, कहीं ना कहीं भगवान भी प्रसन्न होंगे, सूरदास जी भी प्रसन्न होंगे कि
कि हम आप गोवर्धन की बेटी और गोवर्धन में ही सूर शाम ने अपनी सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं गोवर्धन की बेटी हूँ, शायद यही कारण है कि मैंने सूर महोत्सव सूरदास जी के ऊपर ये सूरदास जी को ये ट्रिब्यूट दिया है। एक नमन मैं उनके चरणों में कर रही हूँ क्योंकि मैं गोवर्धन की बेटी हूँ और गोवर्धन में उनकी साधना स्थली है और मैं बचपन से वहाँ जाती रही हूँ और मैं कथक में सूरदास जी के बहुत पदों को नाचती हूँ, भजनों को नाचती हूँ। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने सूरदास जी का ये महोत्सव शुरू किया है। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से बस ये यूँ ही निरंतर चलता रहे, यही शुभकामना है। उसमें आज प्रथम दिन जो है अनूप जलोटा जी की मुख्य प्रस्तुति रही। अनूप जलोटा जी ने अपने भजनों से पूरा जो माहौल है उसको महका दिया। उसके पहले जो है वृंदा चड्ढा और केविन बच्चन, उन्होंने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने जो दशावतार है कृष्ण भगवान का उस पर उन्होंने प्रस्तुति दी। इससे पहले जो है कला वृक्ष कथक केंद्र की जो बालिकाएं हैं उन्होंने अपनी जो है प्रस्तुति दी जिसमें कि जो उनके गुरु हैं उनकी बनाई हुई रचना पर, गीतांजलि शर्मा जी की जो बनाई हुई रचना है उस पर उन्होंने प्रस्तुति दी। हमारी दोस्त मित्र और फिल्मी कलाकार गीतांजलि शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ इस ब्रिज की भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत महोत्सव, संत सूरदास जी का ये महोत्सव जिसमें नृत्य के कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कलाकार आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस महोत्सव में। और मुझे लगता है कि ये अगर कार्यक्रम इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो एक दिन वर्ल्ड के बड़े बड़े कलाकार भी इस मंच पर आकर अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छे लोग और संत सूरदास जी को जो हम मन से और दिल से नमन कर सकते हैं या उनको श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं उसके लिए सबसे बड़ा नमूना यही है कि आज हम इस महोत्सव में यहाँ पर यह आज शामिल हैं। मैं मुंबई से आया हुआ कलाकार, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल। महाभारत में आपने द्रोणाचार्य को देखा था, देवों के देव महादेव में दक्ष के रूप में देखा था, शक्तिमान के रूप में।